गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू डे नंबर 4। आज मैं सुबह अराउंड 4:15-4:20 उठा एंड मुझे एडिटिंग करनी थी ऑब्वियसली, पर उठा मैं एंड देखा मेरा भाई पढ़ाई कर रहा था। यस, क्योंकि उसका फाइनल एग्ज़ाम था सो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया एंड मैं सोचा चलो वापस सो ही जाता हूँ। आज अभी कुछ एडिटिंग तो करनी नहीं है सुबह, एक सेकेंड ये कब की, हाँ, एडिटिंग तो करनी नहीं है तो मैं वापस सोने गया। मैं 10 मिनट लोटपोट किया बट मुझे वापस नींद ही नहीं आई तो मैं बाहर आया एंड ऐसे बैठा था एंड अभी टाइम हो गया कॉलेज जाने का अनफॉर्चुनेटली। तो चलो जाते हैं कॉलेज एंड कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। और भाई पढ़ाई हुई कि नहीं हुई? 25 पेज बचे। वाओ, फाइनल एग्ज़ाम है ना? लास्ट एग्ज़ाम, बाद में ग्रेजुएट? हाँ, नो कॉलेज। ठीक है ना, घर पे बैठा रहेगा अभी, विवेक के व्लॉग्स में आने का मौका मिलेगा। भाई अभी मुझे एंजाइटी हो रही है। क्यों? कॉलेज खत्म हो जाएगा, क्या करूँगा? अरे कोई ना, विवेक के व्लॉग्स में आएगा तो विवेक के व्लॉग्स में और क्या करूँ? वर्कआउट चल चल दिया। ओके सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपना फ़ोन कॉलेज के अंदर लेके जा नहीं सकते क्योंकि अलाउड नहीं है। पहले अलाउड था बीच में बट बाद में वापस बंद कर दिया, बट ठीक है कोई ना, तो अभी फ़ोन स्कूटी के अंदर ही रखना पड़ेगा एंड हम बाद में मिलते हैं कॉलेज के बाद। सो स्कूल हो गया ख़त्म, हम जस्ट आए स्कूल से एंड अभी बहुत ज़ोर की नींद आ रही है यार। एक तो सुबह सुबह 4-4 बजे उठना इस नॉट रखा हूँ। चलो घर पर जाकर बात करते। ये सवाड़ा में सेंग इसकी रोज़ सुबह 4-4 बजे उठना इज़ अ वेरी हेक्टिक टास्क यार। रोज़ सुबह उठो, एडिटिंग करो, कॉलेज जाओ एंड कॉलेज भी इतना बोरिंग है आज कल तो, गॉड क्या बोर होता है कॉलेज में, पढ़ाई तो होती नहीं है, पक्षोती करते रहते हैं सब लोग एंड बहुत बोर होता है। तो यस, अभी आया हूँ मैं कॉलेज से, नींद आ रही है बहुत बट आई कांट स्लीप राइट नाउ क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करना है डे थ्री का आई गेस, फुल डे ऑफ एडिटिंग जो आपने कल देखा था। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, कल ही डाला है वीडियो, जस्ट ज़रूर चेकआउट करना। एंड मैं देख रहा हूँ आप लोग शेयर नहीं कर रहे यार, मैं इतना एफर्ट जा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कर दो, थोड़ा सा शेयर करोगे तो मुझे भी हेल्प मिलेगी। सो यार अभी चलते हैं एंड हाँ, बैकग्राउंड वॉइस को सॉरी, कैमरा ये माइक सब कुछ कैप्चर कर रहा है, नॉट माई फॉल्ट। यस, तो अभी चलो चलते हैं, फ्रेश होते हैं एंड देन एडिटिंग करने बैठते हैं। एंड बीच में ही भाई को पिक करने जाना पड़ेगा क्योंकि उसका एग्ज़ाम आज हो गया है ख़त्म फाइनली, वो ग्रेजुएट हो चुका है बंदा। सो उसने कॉल करा था मुझे बीच में एंड बोला था कि प्लीज़ लेने को आ जाना, चलिए मैं कॉल करूँगा। सो यार बीच में उसका कॉल आएगा तो उठना पड़ेगा एंड एडिटिंग के बीच में उठना है ना बहुत इरीटेटिंग लगता है, तो हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ एंड ये लोग को काम कराना पड़ता है। ठीक है तो चलो करते हैं अभी वीडियो एडिटिंग, फ्रेश होते हैं। और भाई एग्जाम कैसी थी? फुल पास। पास और फुल में बहुत अंतर होता है भाई, हमारा सेम ही होता है। शुभ रे भाई, अनऑफिशियली ग्रेजुएट हो चुका ना? ऑफिशियली तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हो जाऊंगा। बॉन्जुआ। तो आखिरकार हमने डे 3 भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। डे 3 मैंने व्लॉग नहीं डाला, उसकी जगह फुल डे ऑफ एडिटिंग डाल दिया क्योंकि मेरे पास पहले से ये फुटेज पड़ा था, मतलब पहले से ये वीडियो पड़ा था तो मैं सोचा चलो ये डाल देता हूँ। एंड कल मैंने व्लॉग नहीं किया, एक दिन आराम ले लिया बट वो आराम भी कुछ काम का नहीं था। आई स्वेयर टू गॉड, आई टेल यू माय यस्टरडेज रूटीन। ओके, आई वोक अप एट 4 in the morning, 4 बजे उठा, 4:15-4:20 तक मैंने अपना एडिट चालू करा। ठीक है, मेरा एडिट हो गया पूरा एडिट 5:15 तक हो गया था मेरा। ठीक है, 5:15 तक मेरा पूरा एडिट हो गया। बाद में द मेन पार्ट जो बचता है हमारा वर्कआउट का एडिट। ठीक है, वर्कआउट का एडिट मैंने चालू किया 5:20 को क्योंकि 5 मिनट मैंने ऐसे ही ब्रेक लिया, थोड़ा टाइम पास किया, बाहर देखा, नज़ारे देखे एंड 5:20 को मैंने वर्कआउट का एडिट स्टार्ट किया। तो वर्कआउट के एडिट के लिए मेन काम बचता है, मतलब मेन चीज़ रहती है, वो रहता है गाना। ठीक है, अभी गाना ढूंढने में मुझे इतना टाइम लग गया, 5:20 को मैंने गाना ढूंढना स्टार्ट किया एंड मुझे 6 बजे जाके गाना मिला है। दुख,
ठीक है, मुझे 6 बजे गाना मिला, बाद में आधे घंटे में क्या ही होगा, तो मैंने आधे घंटे में तो भी थोड़ा करा। बाद में मैं स्कूल निकलता है यार हमेशा, बाद में मैं कॉलेज गया, कॉलेज से आया देन मुझे लगा कि आज क्लासेस नहीं रहेगा, तो मैं आराम से बैठा हुआ था, बाद में पता चला क्लासेस भी है आज। अब मैं क्लास गया, वापस आया अराउंड 5:30, 5:30 आते ही सीधा मैं लैपटॉप पे बैठा एंड अपना पूरा एडिट ख़त्म करा। तो व्लॉग नहीं किया मैंने, बट पूरा डे इतना हेक्टिक था कि मैं 8 बजे अपना एडिट करके उठा एंड ये यूट्यूब भी भाई लास्ट मोमेंट पे कॉपीराइट डाल दिया मतलब पूरा अपलोड किया एंड यूट्यूब का है ना, वो लोग जब भी हम लोग अपलोड करने जाते हैं उसके पहले चेक्स करते हैं, वो सब उसमें टाइम जाता थोड़ा, तो वो लोग है ना चेक करते हैं कि कुछ कॉपीराइट है कि नहीं है, तो उसमें कॉपीराइट निकल गया। बाद में मैंने वापस गया, मैंने वो गाना डिलीट किया जो भी था, दूसरा गाना डाला एंड बाद में जाकर वो वीडियो अपलोड किया। बहुत हेक्टिक था एंड सो कैसे ही हुआ कल का डे। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों बैठा, कॉलेज यूनिफॉर्म में क्यों बैठा हूँ, जूनियर कॉलेज ये इस यूनिफॉर्म में क्यों बैठा हो, तो जो ये वीडियो था ना फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स था, ठीक है, तो मुझे ये दिखाना था कि कॉलेज स्टूडेंट्स लोग ऐसा कंप्लीट नहीं कर पाते उनकी डाइट अच्छे से, क्योंकि बहुत रहता है उनको काम, हेक्टिक रहता है। सो मैं ऐसे ही पोर्ट्रे करने के ऐसे ही मुझे पोर्ट्रे करना था कि कॉलेज स्टूडेंट्स कैन नॉट मैनेज दैट डाइट वेरी इजीली, ठीक है। तो मैंने ये यूनिफॉर्म पहना, फटाफट दीदी को बुलाया, रिकॉर्ड करवाया क्लिप, ठीक है, एंड देन मैंने चेंज नहीं किया, सीधा आके इधर एडिट करने को बैठ गया क्योंकि बहुत लेट हो चुका था एंड मुझे डालना था वीडियो जल्दी। मैं आया एंड इस पर डाला एंड बाद में मुझे समझा कि अच्छा लग ही नहीं रहा और उस टाइम से अभी मैं इस देर ही पहना हूँ, तो या अभी चलो चेंज करते हैं फटाफट। एंड 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 द मेन थिंग, आज हमें अनबॉक्सिंग करनी है प्रोटीन पाउडर की, प्रोटीन पाउडर की एडिटिंग, प्रोटीन पाउडर का अनबॉक्स करना है, वो करते हैं फटाफट जल्दी। एंड उसके साथ एक और चीज़ है जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी एंड आखिरकार आ गई है वो चीज़, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट वन। उसके ऊपर 30 दिन का वीडियो बनाइए, लेट्स गो। यू नो पावर, यू गॉट द पावर, इजी। चल ठीक है, पहला चीज है प्रोटीन पाउडर, ये अनफ्लेवर्ड है, अनफ्लेवर्ड है, हाँ ओके, अनफ्लेवर्ड प्रोटीन पाउडर मंगाया है लोगों ने, फ्यूल वन का मंगाया क्योंकि बजट। ये तू रख ले, नहीं 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 दूसरी चीज मैं रखूंगा। क्रिएटिन, ये तू रख ले, मैं ये रख लूं, डैड गिलता ना, ये मैं रखूंगा। चल रे, ये इसकी मुझे बहुत, ये मुझे बहुत पहले से चाहिए था, इसका तो पता नहीं, इसको इसको लगता था, इसको लगता था क्रिएटिन और प्री वर्कआउट सेम होते हैं, और फॉर सम रीजंस अभी मुझे लगता है क्रिएटिन एक मैजिकल सप्लीमेंट है। हाँ वो होगा क्योंकि 30 दिनों में देखो एक वीडियो आएगा मेरा 30 दिनों में, देखते हैं उसका क्या होता है। तो क्या चीज है, चल रहे हो मेरा, एक बार इसको खोल के देखते हैं। हर जगह पावर में थोड़ा दिमाग भी यूज करना रहता है। कर लिया, ये तो टैल्कम पाउडर लग रहा है। ब्रो क्या इसका एक स्कूप लेते ही हम ह्यूज हो जाएंगे? ऑब्वियसली ऐसे ऐसे गया हूँ, बट देखते हैं अभी क्या होता है क्रिएटिन का। बट हाँ, क्रिएटिन लेने का एक डाउन साइड है, मतलब डाउन साइड तो नहीं बोल सकते, पानी बहुत पीना पड़ेगा, 5 लीटर पानी तो मिनिमम पीना ही पड़ेगा, तो अभी ऐसा 1-1 लीटर का बॉटल हर जगह लेके घूमना पड़ेगा। बट ठीक है, क्रिएटिन आ गया है, पहली बार पहला पहला प्यार है। चलो अभी जाते हैं जिम, आज है पुल,
वैसे मैं इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत रिपीटेशन हो जाएगा। परसों ही मैंने पुल का डाला था तो वापस पुल नहीं डालूंगा। आज बस मैं डेडलिफ्ट करूंगा, वो डाल दूंगा, बाकी और कुछ नहीं डालूंगा। सो लेट्स गो। ओके सो मैं अभी एडिटिंग कर रहा था एंड मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने आउटरो नहीं दिया है ब्लॉग का। सो या कल मैं वर्कआउट के बाद आया एंड यस मैं डेडलिफ्ट नहीं करूँगा यार। डेडलिफ्ट मेरी बस की बात नहीं है, कभी उठता ही नहीं मेरे से डेडलिफ्ट। तो ठीक है, शायद डेडलिफ्ट बंद कर दूंगा मैं। एंड वर्कआउट के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि कल थी RCB की मैच, बट अनफॉर्चुनेटली RCB हार गई यार। चलता है यार, नेक्स्ट मैच देखो यार, तुम RCB जीतेगी RCB। तो चलो अभी ख़त्म करता हूँ ये व्लॉग। अगर पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट भी कर लेना, ठीक है। चलो बाय, पीस।